हेलो दोस्तों, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं जो करण अर्जुन की मूवी में जो ठाकुर दुर्जन सिंह की हवेली थी वो यही है मेरे पीछे। सिरिस का पैलेस जो करण अर्जुन की मूवी बनी थी वो सीन एक सीन यहाँ से लिया गया था। जब हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा जो 1995 में जो पिक्चर आई थी सुपर डुपर करण अर्जुन मूवी 1995 में आई थी, उसकी जो शूटिंग लोकेशन थी उसके बारे में आपको बताऊंगा कि कहां कहां पे वो पिक्चर शूट की गई थी। तो दोस्तों, ये जो स्टेशन है, पहले ये बहुत पुराना स्टेशन था, अब नए पिलर लगा दिए गए हैं। तो शाहरुख खान जब मुंबई से आते हैं जानलेवर के साथ, वो यहीं पे आके उतरते हैं इसी स्टेशन पे। फिलहाल यहां पे भीड़ कम है क्योंकि छोटा स्टेशन है, बहुत कम ट्रेनें यहां पे रुकती है। तो इसी स्टेशन का सीन दिखाया गया है जो कि करण अर्जुन मूवी में शाहरुख खान मुंबई से आते हैं तो इसी स्टेशन पे आके उतरते हैं। हेलो दोस्तों, जो मूवी में सीन दिखाया जाता है मालाखेड़ा, जो स्टेशन के बोर्ड को दिखाया जाता है वो इसी बोर्ड को दिखाया जाता है दोस्तों। और मूवी में एक और सीन दिखाया जाता है जिसमें एक बाबा रहता है मूंछों वाला, उस जो घंटी बजाता रहता है, और उससे सलमान शाहरुख खान आके पूछते हैं कि बाबा ठाकुर दुर्जन सिंह की हवेली जाना है, तो इसी जगह पे आके पूछता है और इसी जगह पे बाबा घंटी बजाते रहते हैं। और फिलहाल देख सकते हो अभी स्टेशन बहुत चेंज हो चुका है, पहले जो स्टेशन था वो पहले पुराने स्टेशन था, अब बहुत चेंज हो गया। अब आपको और शूटिंग लोकेशन बताते हैं। हेलो दोस्तों, तो फिलहाल पहुंच चुके हैं हम नकड़ी का बारा, जो कि यह जगह भरतरी महाराज के भरतरी से और अलवर के बीच में पड़ती है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये नकड़ी का बारा है, ये नदी बह रही है और यहाँ पे देखो कितनी जनसंख्या है। ये पहले इसका नाम नकड़ी का बारा नहीं था, पता नहीं क्या नाम था, पर लोगों द्वारा बताया जाता है कि एक नकड़ी थी। जो देख सकते हो आप, ये कुमटी बनी हुई है, ये कुमटी से और वो कुमटी, वो दोनों कुमटी पे रस्सा बांध के इधर से उधर निकली थी। तो उसने ये पूरी पार कर लिया, फिर वो नीचे आई थी, तो नीचे देखा वो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, तो ऊपर देगा रस्से को, तो उसने सोचा कि मैं इतनी ऊंचाई से ये रस्सा पार किया है, अगर मैं मर जाती तो मेरे बच्चे का क्या होता। तो इसी दुख में उसने अपने प्राण त्याग दिए, तो इसलिए इसका नाम नकड़ी का बारा पड़ा है। और आप देख सकते हो इधर देख सकते हो आप देवनारायण मंदिर है, वो देवनारायण भगवान का मंदिर है। और ये जो जगह है नकड़ी का बारा, ये भरतरी महाराज के भरतरी के और अलवर के बीच में पड़ती है। ये जो रोड जा रहा है, ये जयपुर की तरफ जा रहा है, और ये जो रोड जा रहा है ये अलवर की तरफ जा रहा है। और आप कभी भी अगर यहाँ पे आते हो तो बहुत अच्छी लोकेशन है, आप देख सकते हो यहाँ पे हर कोई आता है जो फोटो शूट करता है। तो ये नकड़ी का बारा नाम से जाने जाती है जगह। और यहाँ पे फिलहाल हम अभी यहाँ पे हैं और आपको अगली लोकेशन पे बताएंगे। और यहाँ पे दोस्तों ये पानी है जो हमेशा बहता रहता है, ये नदी हमेशा बहती रहती है। और इस नदी में जो पानी है इसके अंदर कैचुओं की जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है, जो कैचुए रहते हैं ना उनकी जनसंख्या पाई जाती है इसमें। तो आप कभी भी अगर यहाँ पे आते हो, अलवर जा रहे हो या जयपुर कभी भी इस रूट से आते हो, तो इस जगह को जरूर देख के जाए। और अब आपको अगली लोकेशन पे लेके चलता हूँ। हेलो दोस्तों, तो हम फिल्म की दूसरी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो पुलिया, इसको पुलिया ही बोल सकते हैं, पुल तो नहीं बोल सकते क्योंकि छोटा है, इसलिए इसको पुलिया ही बोल सकते हैं। जो करण अर्जुन की मूवी बनी थी वो सीन एक सीन यहाँ से लिया गया था, जब शाहरुख खान और जानलेवर मतलब ऊंट गाड़ी में बैठ के जो गांव की तरफ जाते रहते हैं, तो इसी सीन पे इसी का सीन लिया गया था। यही थी जो पुलिया थी, इसी के ऊपर होके बैठ के जाते हैं। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे फिलहाल ये जो पुलिया है ये पहले भी ऐसी थी और अब भी ऐसी है, पर अब देखो ये मतलब बारिश के दिन है इसलिए ये बह रही है, अब नदी बह रही है, ये पुलिया है। और जो फिलहाल ये पहले रास्ता यही था, मेन रास्ता यही था, अब जो है वो रास्ता बाईपास निकाल दिया है। देखो उधर से जो आप वो रास्ता देख रहे हो जयपुर से अलवर के लिए, वो बाईपास निकाल दिया है और पहले यही मेन रास्ता हुआ करता था। तो ये सीन लिया गया था पिक्चर में एक सीन। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे फिलहाल वैसी की वैसी पुलिया है अब भी, जो पहले पहले थी। पहाड़ भी देख सकते हो आप पीछे पीछे, तो देख सकते हो आप पीछे स्क्रीनशॉट में देख लो आप, ये पहाड़ ऐसा की वैसा ही है, पुलिया वैसी की वैसी है। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं कुशालगढ़, कुशालगढ़ में जाके पहले कचौड़ी खाएंगे क्योंकि कुशालगढ़ की कचौड़ी बहुत फेमस है, तो वहां पे कचौड़ी खाएंगे, उसके बाद में जो फिल्म का अगला सीन लिया गया है वो दिखाएंगे। तो अभी आपको और लोकेशन बताएंगे पिक्चर की। हेलो दोस्तों, तो हम कुशालगढ़ पहुंच चुके हैं और दोस्तों बारिश हो गई थी रास्ते में तो हम भीग गए हैं, और अब हम कुशालगढ़ की कचौड़ी खाएंगे, उसके बाद हम आपको अगली लोकेशन बताएंगे। पहले हम कचौड़ी खा लेते हैं, कुशालगढ़ की फेमस कचौड़ी है, कड़ी कचौड़ी यहाँ की।
तो कचौड़ी आ चुकी है और हम कचौड़ी खा रहे हैं। कचौड़ी खाने के बाद हम जाएंगे फिल्म की तीसरी लोकेशन पे। तो दोस्तों फाइनली हमने कचौड़ी खा ली है और हम चल दिया अभी पिक्चर की तीसरी लोकेशन पे। तो कभी भी आप अगर जयपुर से अलवर की तरफ आओ तो यहाँ पे कचौड़ी खा के जरूर जाना, क्योंकि यहाँ की कुशालगढ़ की कढ़ी कचौड़ी बहुत ही फेमस है। कढ़ी कचौड़ी बहुत फेमस है, तो कभी आओ तो खा के जरूर जाना। हेलो दोस्तों, तो हम चल दिए अब कुशालगढ़ किले के ऊपर, जिस पे एक सीन लिया गया था यहाँ पे पिक्चर का, तो उसको बताएंगे आपको। तो अभी फिलहाल देख सकते हो कुशालगढ़ किले का रास्ता, हरियाली बहुत ज्यादा है, आप देख सकते हो नजारा। अभी हम किले के ऊपर चढ़ रहे दोस्तों, तो हम किले के ऊपर चढ़ रहे हैं और यह है बहुत ही पुराना लग रहा है किला, काफी साल पुराना किला लग रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये दीवार ही बिल्कुल गल गई है। तो आप देख रहे हो यहाँ का नजारा किले का, कितना डरावना लग रहा है। पूरे किले में घास ही घास उग रही है और दोस्तों बरसात के दिन ऐसे हैं तो देखो कैसी हरियाली छा रही है किले के अंदर। तो यहाँ पे एक अगर हम कुछ देख के चढ़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कीड़ा काटे का डर रहता है और यहाँ पे दीवार भी ऐसी हो गई है, चूने से बनाई हुई दीवार है, तो कभी भी ढह भी सकती है दीवार, तो बहुत हिसाब से चढ़ना पड़ता है दोस्तों। तो आप देखो इस किले का नज़ारा, देखो कितना साल पुराना है, देखो खंडर हो चुका है बिल्कुल। इस पे अगर कभी भी आओ ना तो सही तरीके से आना ऊपर चढ़ना। तो अभी हम देखो यहाँ पे सीढ़ियाँ भी कितनी सकड़ी है कि एक आदमी ऊपर चढ़ सकता है एक साथ में। तो दोस्तों हम चढ़ गए अब कुशालगढ़ के किले के ऊपर, देखो यहाँ का नज़ारा बिल्कुल हरियाली हरियाली। दोस्तों एक सीन यहाँ से लिया गया है मूवी का, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे शमशेर खड़ा रहता है, दारू की बोतल को यहाँ पे फोड़ता है। तो एक सीन यहाँ से लिया गया है और नीचे आप डिजाइन देख सकते हो, ये पहले डिजाइन सही थी, अब ये डिजाइन फूट गई है। तो दोस्तों एक सीन यहाँ से लिया गया है, पीछे डूंगर भी देख सकते हो आप, इस तरह से यहाँ पे शमशेर सिंह खड़ा रहता है। और दोस्तों एक सीन यहाँ से लिया गया है, मैं बताता हूँ आपको, जिसमें नारसिंह आता है दारू पीते हुए और इसी जगह पे आगे खड़ा रहता है। मैं आपको बताता हूँ स्क्रीनशॉट में, आप देख सकते हो ये पहाड़ देख रहे हो, ये पहाड़ों के बीचों बीच का एक यहाँ का सीन लिया गया है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ स्क्रीनशॉट में। शमशेर यहाँ पे आके खड़ा रहता है, देखो इस तरह से आके खड़ा रहता है दारू बोतल को लेके। तो एक सीन यहाँ से लिया गया है दोस्तों एक सीन यहाँ से दिखाया गया है, जिसमें नारसिंह दारू की बोतल को लेके यहाँ पे खड़ा रहता है, इस तरह से आपको स्क्रीनशॉट में देख सकते हो, इस तरह से यहाँ पे खड़ा रहता है नारसिंह। तो ये सीन यहाँ से लिया गया था दोस्तों। अमीर पीछे देख सकते हो पहाड़ भी आ रहा है, खूबसूरत नज़ारा हो रहा है। और दोस्तों हम ले चलते हैं अब अगली लोकेशन पे चलेंगे, तो एक बार इसका नज़ारा देखो किले का, कितना पुराना किला है, लोकेशन देखो कितनी खतरनाक जगह है ये। तो देख सकते हो आप यहाँ का नज़ारा, देखने लायक नज़ारा है दोस्तों, कभी भी आप आओ ना तो देखना जरूर। फाइनली हम पहुंच चुके हैं जहां से करण अर्जुन ने चूड़ियां खरीदी थी, जिस दुकान से। दोस्तों यह दुकान भरतरी महाराज के मेड़े में पड़ती है। तो ये देखो भरतरी महाराज का मंदिर है और ये दुकान मेरे पीछे है, जिस दुकान से करण अर्जुन ने चूड़ियां खरीदी थी। तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको दुकानों पे, नाम भी बताता हूँ, दुकानों पे लिखा हुआ है करण अर्जुन वाले भैया, तो आपको वहीं पे जाके दिखाता हूँ। देखो दोस्तों हरिराम, ये देखो ये दोनों दुकान है जिन दुकानों से करण अर्जुन ने चूड़ियाँ खरीदी थी। देखो करण अर्जुन वाले भैया, शाहरुख खान और सलमान खान की दोनों की फोटो भी है। और दोस्तों यही दुकान है जिस दुकान से चूड़ियाँ खरीदी थी करण अर्जुन ने। दोस्तों तो अब हम भरतरी महाराज के दर्शन करेंगे, तो आपको बताएंगे कि दर्शन तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा भरतरी महाराज की, कि किस तारीख को हमारी यहाँ पे यात्रा आएगी भरतरी महाराज की, तो उसमें पूरी तरह से वीडियो बताऊंगा। तो अभी हम दर्शन करेंगे और आपको मैंने दिखाया करण अर्जुन वाले दुकान, जिस दुकान से करण अर्जुन ने छुट्टियां ली थी वो यही दुकान है जो अभी भरतरी महाराज के मंदिर के पास में पड़ती है, कभी भी आप आओ तो। अब नेक्स्ट लोकेशन बताएंगे आपको। हाँ
हेलो दोस्तों, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं जो करण अर्जुन पिक्चर में जो हवेली बताई गई है, ठाकुर दुर्जन सिंह की हवेली थी वो यही है सरिस्का पैलेस। तो आप देख सकते हो जो मेरे पीछे हवेली है सरिस्का पैलेस है, इसका नाम सरिस्का पैलेस है। ये ठाकुर दुर्जन सिंह की हवेली बताई गई है। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे ये हवेली का नज़ारा देख सकते हो। ये जो गेट देख रहे हो आप, यहाँ से मतलब कि ठाकुर दुर्जन सिंह जब बाहर निकलता है जब अपने दोस्त से कहता है कि सक्सेना मैं जब बाहर निकलता हूँ हवेली की दुनिया से तो मुझे तुम्हारी याद आती है। तो जब यहाँ से अमरीश पुरी बाहर निकलता है अपनी गाड़ी से तो यहाँ से ही होके निकलता है इस जगह पे, एक तो इस साइड और एक से इस साइड दोनों तरफ गार्ड दिखाई देते हैं। तो गार्ड यहीं पे रहते हैं इस जगह पे। और जो आप बीच का सीन देख रहे हो यहाँ पे, जो बीच का सीन देख रहे हो वहाँ पे, यहाँ पे जब ये दोनों अमरीश पुरी के साले शमशेर सिंह नारसिंह करण अर्जुन के बारे में बोलते हैं कि हमने देखा है, तो यहीं पे वो ठाकुर उनसे लड़ता है। जो बीच में आप देख रहे हो यहाँ पे यही सीन है जो बीच का आप दिखाई दे रहे हो। और आप देख सकते हो यहाँ के अगर हम अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, बिल्कुल एंट्री बंद कर रखी है, बिल्कुल भी टिकट विकेट नो अलाउ, बिल्कुल बंद कर दिया। पहले क्या है टिकट अलाउ थे, अब टिकट विकेट बिल्कुल बंद कर दिए, यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं कर सकता है। तो यही थी दोस्तों ठाकुर दुर्जन सिंह की हवेली। हेलो दोस्तों, तो आपको मैंने आज के वीडियो में बताया करण अर्जुन की फिल्म की शूटिंग कहाँ कहाँ पे हुई थी। तो कैसी लगी वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड बटन का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा तो उसको सब्सक्राइब करें सभी, और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी है। आप अगर कमेंट करके बताओगे तो और फिल्मों की भी लोकेशन बताऊँगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना ताकि वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल चुके। और बहुत अच्छी वीडियो लेके आऊँगा, बहुत फिल्मों की शूटिंग कहाँ कहाँ पे उनकी वीडियो लेके आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।